हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 6.2 के बारे में, जो कि क्लास 9th की एनसीईआरटी का सोल्यूशन होने वाला है, जिसके अंदर लाइन और एंगल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर के शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया था आपको कि लीनियर पेयर क्या होते हैं, इसके अलावा वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसके अलावा अल्टरनेट एंगल या जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस करी है बहुत सारी चीजें। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो चीजें हमें ध्यान रखनी, केवल प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है और उसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जा रहा है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप एक चीज समझिए कि जो x और y है वो किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन है। x और y जो है वो एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू से क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है एक दूसरे के। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम y की वैल्यू भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, x की वैल्यू फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं। अब आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये 50 है और x, यानी कि इस वाली लाइन के ऊपर मैं कंप्लीट अगर बोलूँ, यहाँ पे ये वाली लाइन जो है इस पे कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 50 प्लस x करेंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 50 प्लस x करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180। ये लीनियर पेयर के थ्रू ये यहाँ पे इक्वेशन आई है, ये लीनियर पेयर के थ्रू हमारे पास इक्वेशन आई है। अब जो सेकंड है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 130 और y की वैल्यू भी 130 आएगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। ये लाइन क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के। बस यही चीज हमें सॉल्व करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर एक चीज दी गई जिसके अंदर पैरेलल लाइन दी हुई है, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। और यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है वाई और जेड का, वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है 3:4। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो चीजें हमें नहीं दी, जो रेशियो में दी हुई हैं, उनको सबसे पहले लिखेंगे। और रेशियो को, रेशियो से जब हम चेंज करेंगे तो हम मान लेंगे कि y की वैल्यू 3k और z की वैल्यू 7k। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जो y की वैल्यू है वो एंगल a के बराबर है, एंगल 1 के बराबर है, और y और एंगल 1 ये दोनों क्या होंगे, 3k होंगे। देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ कि एंगल y और 3k कैसे बराबर होंगे। देखिए, एंगल 1 और y वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ पे ब्लू कलर की जो आपके पास दिख रही है यहाँ पे, देखिए एंगल 1 इसको माना हमने और ये y, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, y और एंगल 1 बिल्कुल बराबर होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर तो हो गए, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज जो गिवन दी हुई हमारे पास, जो दी गई है सी डी पैरेलल है ई एफ के। जब सी डी पैरेलल होगी ई एफ के तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा एंगल ए और जेड दोनों 180 होंगे, एंगल ए और जेड 180 होंगे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, जो सम होता है को इंटीरियर एंगल, वो 180 के बराबर होता है। देखिए, 1 और जेड की बात हो रही है, 1 और जेड की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल होते हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये दोनों इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे देखिए, ये इंटीरियर एंगल है और ये भी क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। और दोनों का जो सम होता है वो इस एंगल पे, देखिए ये दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यही तो चीजें तो हमने लिखी है, जो प्रॉपर्टी का यूज केवल हमें करना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 होगा। अब यहाँ पे देखिए, एंगल 1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 3k, क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाल लिया था y और एंगल 1 बराबर थे। तो एंगल 1 की वैल्यू 3k और z की वैल्यू 7k। यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे 18। जब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम 7 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 126 z की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू भी 126 निकल के आएगी यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें एक चीज दी गई है कि जो इमेजेस दी हुई है यहाँ पे, जो फिगर दिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो ये पिक्चर्स दी जा रही है यहाँ पे एक चीज बोली जा रही है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ये चीज आपको क्लियरली दिख रही होगी इस इमेज के अंदर। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, और जी ई डी जो एंगल है वो 126 दिया हुआ है। जी ई डी कि ये एंगल जो दिया हुआ है 126 दिया हुआ है, ये कंप्लीट 126 है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये 90 होगा, और ये 126 माइनस 90 होगा जो बचा हुआ एंगल होगा।
करेक्ट, ये 126 माइनस 90 ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज जो चीज दी गई है उसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन ये पैरेलल लाइन दी हुई है। अब जो अल्टरनेट एंगल है यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ए जी ई, देखिए ध्यान से देखिए, ए जी ई अल्टरनेट एंगल है जी ई डी के। ये यहाँ पे देखिए जो लाइन यहाँ पे आ रही है अगर, तो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो अल्टरनेट है कम्प्लीट इसके जी ई डी के, और जी ई डी में दो एंगल्स हैं। जी ई डी की वैल्यू किसके बराबर है, जी ई एफ, एक तो जी ई एफ ये वाला एंगल, और इसके बाद जो एंगल है यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल था और एक ये वाला एंगल था, ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे किसके बराबर होगा 126 के। अब यहाँ पे जी ई एफ की वैल्यू निकल जाएगी वो 136 आएगी, जो ये वाला एंगल बचेगा वो हमारा 36 होगा। 90 तो ये हो गया हमारा, और ये कितना होगा हमारा 36, तो 90 और 36 को प्लस करेंगे तो 126, तो ये कम्प्लीटली 126 होगा, तो ये हमारा निकल के आया है 36। अब पैरेलल लाइन दी हुई थी, ए बी पैरेलल है सीडी के, तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल यहाँ पे बनेगा एफ एफ जी ई, एफ जी ई, यहाँ पे देखिए एफ जी ई ये वाला जो एंगल है ये, और इसका जो अल्टरनेट एंगल होने वाला है, इसका जो अल्टरनेट एंगल होने वाला है जिसमें हम 126 जो इसकी वैल्यू हमने निकाली है वो किसके बराबर होगी, 180 के बराबर होगी। जब ये वैल्यू 180 के बराबर होगी तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 180 के बराबर अगर वैल्यू होगी, 126 तो पहले दिया हुआ था, 126 और 180 इसके बराबर हैं क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पे एफ जी ई की वैल्यू निकालेंगे तो ये 54 निकल के आएगी, यही हमें फाइंड आउट करना था, एफ जी ई की वैल्यू और जी ई एफ और ए जी ई, हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए एक चीज दी गई है, यहाँ पे हमें पी क्यू पैरेलल है एसटी के, जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, एसटी के पैरेलल है। अगर यहाँ पे आगे तक बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन निकल के आएंगे, अगर इस लाइन को मैं आगे तक बढ़ाऊंगा तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी एसटी के। और पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है हमें 110, ये 110 इसकी वैल्यू दी हुई है। आर एस टी की भी वैल्यू दी हुई है 130। इसके अलावा हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, क्यू आर एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस यानी ये वाली एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब जब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए अगर यहाँ से मैं पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो ये देखिए यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन बनेगी। तो इसको आगे करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए कंस्ट्रक्ट हमने कर दिया थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए, जो ये जो पी क्यू की लाइन है ना इसको थोड़ा सा मैंने प्रोड्यूस किया है यहाँ पे। देखिए पी क्यू को प्रोड्यूस किया, कंस्ट्रक्शन किया थोड़ा सा उसके, और इसको इंटरसेक्ट करा दिया एस टी क्यू। यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा तो आपको एंगल्स दिखेंगे, आपको यहाँ पे देखिए एंगल्स। यहाँ पे इस लाइन को हमने थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया, यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 यहाँ पे सबके नेमिंग कर दिए मैंने। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 एक तरफ है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, 1 और 2 एक तरफ है करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इनका जो सम होगा एंगल 1, तो यहाँ पे देखिए एंगल 2 की वैल्यू हमें दी, एंगल जो 2 है उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 130। अब 130 यहाँ पे दिया हुआ है तो एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों का सम क्या हो जाएगा लीनियर पेयर के बेसिस पे 180, तो यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू निकल के आएगी 50, एंगल 3 की वैल्यू निकल के आएगी 50। फिर एंगल 5 और 4 का हम प्लस करेंगे तो ये भी 180 होगा, एंगल 5 और 4 का भी प्लस करेंगे तो 180 होगा। सबसे पहले 2 3 को सॉल्व किया, फिर 5 4 को सॉल्व करेंगे 180 के बेसिस पे, और यहाँ पे एंगल 5 की जो वैल्यू है, एंगल 3 की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे 50, अब एंगल 5 प्लस 4 180 होगा, तो एंगल 5 की वैल्यू ऑलरेडी 1110 हमने निकाली है। और हमने कैसे फाइंड आउट किया एंगल 5 की वैल्यू की 1110 है, एंगल 5 की वैल्यू हमें ऑलरेडी 1110 दी हुई थी। अब यहाँ पे जब एंगल 5 प्लस 4 की, यहाँ से हम एंगल 4 की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई एंगल 3 की हमने निकाल ली, एंगल 4 की भी निकाल ली, और यहाँ से जब हमारे पास देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा होगा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, इसके बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के क्यू एम आर एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। यहाँ पे 3 4 और एंगल आर की वैल्यू 180, 3 4 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम 50 और 70 को प्लस करेंगे तो 120 आएगा, और 120 में से जब हम 120 को माइनस करें, सॉरी 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 60। तो हम कह सकते हैं कि एंगल आर की वैल्यू 60 डिग्री निकल के आएगी, और यही हमें यहाँ पे पूछा गया था कि हमें बताना है कि एंगल आर की वैल्यू क्या है। इसके अलावा हमें एंगल 1 2 3 सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, ए बी पैरल है सी डी के बिल्कुल, और यहाँ पे देख पा रहे हो एक ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे एंगल पी ए पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 50, और यहाँ पे
पी आर डी की भी वैल्यू दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ए पी क्यू की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास पी आर डी की वैल्यू दी हुई है यानी कि ये और ये वाली वैल्यूज दी हुई है, और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू है और यहाँ पे वाई की वैल्यू है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम अब इनके बेसिस पे जो भी चीजें पॉसिबल हैं सारी चीजों को हम लोग सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है एसटी के, जब ये पैरेलल लाइन होंगी तो यहाँ पे पी क्यू आर अल्टरनेट एंगल बनाएगा यहाँ पे किसके, ए पी क्यू के। पी क्यू आर जो पी क्यू आर है ये वाला जो एंगल है पी क्यू आर, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है एंगल जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, ये जो होगा अल्टरनेट है किसके, ए पी क्यू के, ए पी और क्यू की, ये इसके अल्टरनेट है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके अल्टरनेट है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है वो डायरेक्टली 50 निकल के आ रही क्योंकि अल्टरनेट एंगल है यहाँ पे। जो दूसरा एंगल है 127 किसके बराबर है, 127 यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 127 ये कैसे आ रही, 127 कैसे आ रही, 127 आ रही ए पी क्यू, सबसे पहले तो ए पी क्यू, ए पी क्यू ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 50 डिग्री है हमारे पास, ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। इसके अलावा हम जो y की वैल्यू है ये, यानी कि ये जो अल्टरनेट एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल बन रहा है वो कम्प्लीटली इसके कम्प्लीट बराबर है, यानी कि 50 प्लस y के बराबर है। 50 प्लस y यानी क्या, एक तो हमें AP क्यू की वैल्यू 50 दी हुई है और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि ये 127 के इक्वल है, हम कह सकते हैं ये 127 ये होगा तो ये भी 127 होगा। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 77, जब हमारे पास y की वैल्यू 77 आ गई और x की वैल्यू यहाँ पे 50 आ गई, यही तो हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक चीज दी हुई है, इसके अंदर हमें जो इमेज दी हुई है ना ये टू मिरर है। अब मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे मिरर है जो पैरेलल है ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल मिरर है, और एक इंसिडेंट है क्या कि ए बी जब स्ट्राइक करता है इसके ऊपर, ए बी जब स्ट्राइक करेगा मिरर के ऊपर, पी क्यू जो मिरर है इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के साथ साथ ये रिफ्लेक्ट करता है और मूव करता है जो पाथ यहाँ पे दिया हुआ है। इस पाथ में जब ये मूव करता है तो हमें बताना है कि प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी बिल्कुल किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। देखिए जब हमें पैरेलल प्रूफ करनी है, यहाँ पे हमने सारे एंगल्स के नाम दे दिए, हमने सारे एंगल्स के नाम दिए। अब देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनको हम कैसे कैसे बता पाएंगे, इनको हम बताने के लिए देखिए एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो जब हमने हमने ड्रॉ किया बी के ऊपर, जो बीई है ना बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू के ऊपर, पी क्यू के ऊपर हमने बीई ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। फिर इसके बाद आर एस के ऊपर हमने एफ सी ड्रॉ किया, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट किसका होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल वन और एंगल टू दोनों बराबर होंगे, एंगल वन और एंगल टू दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे थ्री और फोर दोनों बराबर होंगे। और हमारे पास दो इक्वेशन आई है एंगल वन और एंगल टू की, और यहाँ पे जब हम दोनों को मैच करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, एंगल टू और थ्री एक दूसरे के अल्टरनेट है। यहाँ पे हम ये टू एंगल किसके अल्टरनेट होगा, एंगल थ्री के अल्टरनेट होगा। जब अल्टरनेट एंगल हमारे पास आ चुका है तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के थ्रू हम कह सकते हैं एंगल वन और फोर दोनों बराबर होंगे। जब एंगल वन और फोर बराबर होंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, दो एंगल से यहाँ पे हमने कर दिया, टू एंगल ए प्लस टू एंगल फोर, यहाँ पे देखिए टू का मल्टीप्लीकेशन कर दिया दोनों तरफ, हमने एंगल वन प्लस एंगल वन लिख सकते हैं, एंगल फोर प्लस एंगल फोर लिख सकते हैं, वैसे ही एंगल वन प्लस टू बराबर हो जाएगा एंगल थ्री प्लस फोर के इक्वेशन से, यहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के थ्रू। अब ये जब एंगल बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी जो बी सी और डी होगा, एंगल बी सी डी बराबर होगा किसके, ए बी सी के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। जब ये एंगल बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है, तो ये जब इक्वल कब होगा, जब ये लाइन पैरेलल होगी। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमें प्रूफ करना था। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी, जिसके अंदर एक्सरसाइज हमने 6.2 के बारे में डिस्कस किया माय डियर फ्रेंड्स, और उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।